हेलो स्टूडेंट्स, तो एमयू की प्रिपरेशन को लेकर के मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ कि एमयू की प्रिपरेशन में किन बातों का ज़्यादा ख्याल रखना है, किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि मैं एमयू के एंट्रेंस दे चुका हूँ, मैं एमयू का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इस बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ। चूँकि स्ट्रैटेजी जो पहले होता था वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, उन चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग अगर अवॉइड करें तो भी चलेगा, लेकिन आज के टाइम पर आपको किस तरह से जो है अप्रोच करना है कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स को, इंट्रेंस को, चाहे वो किसी भी कोर्स के लिए हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम की बात क्यों ना हो, आपको अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ी बहुत चेंज लानी पड़ेगी और उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ेगा, जिससे क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है आजकल जो है, स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, सीट्स बहुत कम अवेलेबल है। उस हिसाब से हमें सिर्फ मेहनत ही नहीं करना है, हमें स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है, मतलब स्मार्टली प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो जिसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स लेकर के आया हूँ, उस पॉइंट्स को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे और इस हिसाब से अपनी तैयारी को आप स्टार्ट कीजिएगा। जैसा कि मेरे सामने दिख रहा होगा आपको कि सिलेबस की पहले बात करूँ, सिलेबस मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। पूरा सिलेबस मैंने 11th क्लास का स्पेशली, और मैंने ये भी बता दिया उसके अंदर कि वैसे तो मैंने डाला 11th का है, पर मैंने ये भी बता दिया है कि वहाँ पे कौन कौन से सिलेबस आपको कहाँ कहाँ से मिल जाएंगे। तो सारे कोर्सेज के सिलेबस वहाँ से आपको जो है एमयू की वेबसाइट से मिल जाएंगे, मैंने बता रखा है, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो सिलेबस को आपको वहाँ से मिल जाएगा। सिलेबस में थोड़ा सा मैं बता दूँ कि आपको अगर 11th का एंट्रेंस दे रहा हूँ, मैं 11th की बात अगर एग्जांपल के तौर पर ले लूँ, तो इसमें 50 मार्क्स के आपके साइंस मिल जाएंगे, आपको 30 मार्क्स के मैथ्स और 10 नंबर का जीके और 10 नंबर का इंडो इस्लामिक रहेगा। इस हिसाब से टोटल 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको ये सिलेबस का कैटेगराइजेशन रहेगा। समझ आई बात? ये था सिलेबस के बारे में। अब अगर मैं गाइड और बुक की बात करूँ बच्चों, तो गाइड और बुक के बारे में अब बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, सर कौन सी गाइड फॉलो करूँ, कौन से बुक को पढ़ूँ। देखो, गाइड की बात तो पहले करो ही मत, सबसे पहले तो आपके पास अपनी एनसीईआरटी की बुक होगी आप प्लीज़, क्योंकि जैसे आप सिलेबस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या फॉलो करना है। आप अपने एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर्स इन सिलेबस में दिया गया है, वो चैप्टर्स आप अच्छे से लाइन बाई लाइन रीड करो। येस एग्जैक्टली, लाइन बाई, क्योंकि साइंस में अगर मैं देखूँ तो 50 मार्क्स है, कम नहीं है। आपको लाइन बाई 50 मार्क्स लाने के लिए आपको लाइन बाई लाइन हर चैप्टर्स को, जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर सिलेबस के अंदर, वो टॉपिक्स को आप पढ़ो अच्छे से, वहीं से क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी होती है हमेशा बच्चों के लिए एनसीईआरटी, अपने एनसीईआरटी से ही आप आधे से ज़्यादा यानी 60% जो है मार्क्स गेन कर लोगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइड की, तो याद रखना आखिरी में, लास्ट में जब आपका टाइम यू नो 10-15 दिन बचे, तैयारी लगे कि हो गई है, तो एक कॉन्सेप्टम नाम की गाइड आती है, आप ये यूज़ कर सकते हो। कॉन्सेप्टम, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये कॉन्सेप्टम का मतलब यहाँ पे, ये मैंने खुद बच्चों को कई बार रिकमेंड किया है और मैंने भी जब मैं एंट्रेंस दे रहा था उस टाइम पे भी था ये। तो कॉन्सेप्टम की गाइड में एक बात हमेशा याद रखना, उसमें थोड़ी सी ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती है, तो ज़रा संभाल के पढ़िएगा। कॉन्सेप्टम की गाइड अच्छी है, नॉलेज कंटेंट बहुत अच्छा है उसके अंदर, क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन उसमें जो प्रिंटिंग मिस्टेक्स है उसकी वजह से हो सकता है आपके एक आध नंबर कट जाए, तो उसको संभाल के पढ़िएगा। इसीलिए मैंने पहले रिकमेंड किया आपको एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के बाद आप जो है अपने कॉन्सेप्टम की गाइड को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इंडो इस्लामिक की बुक की बात करूँ, जहाँ मैंने सिलेबस बताया वहीं कुछ रिकमेंडेशंस भी है इंडो इस्लामिक की, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो कुछ बुक्स के बारे में। और जीके की बुक को मैं क्या ही बोलूँ, जीके के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जीके के सिलेबस में दिखाया गया है, उन टॉपिक्स पे आप अच्छा, मैं जीके के बारे में एक बात यही कहूँगा कि जीके में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, आपको जिस टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट हो उसी को पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 में से 5 से 6 नंबर आपको गेन हो गए तो डेफिनेटली सफिशिएंट है, इनफ है जीके में। टाइम टेबल की अगर मैं बात करूँ, तो आपको टाइम टेबल ऐसा नहीं है कि आपको जो है दिन के 15 घंटे पढ़ने हैं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। अभी एग्जाम खत्म हुआ, थोड़ा चिल करो, लेकिन क्या है आपको पढ़ना पड़ेगा। टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि हम लोग जो है ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा हो, या ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा हमने टेंशन बहुत ज़्यादा हमने अपने ऊपर बर्डन ले लिया है ज़रूरत से ज़्यादा, तो ऐसा ही मत करना। अगर आप दिन के ऐसे बांट दोगे कि दिन के 2 घंटे साइंस और दिन के 2 घंटे मैथ्स, या दिन के 2 घंटे 3 घंटे साइंस और दिन के 2 घंटे मैथ्स, ऐसे भी बांट के चलोगे तो बहुत ईजिली आपका जो आपकी जो ये तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितना आपने बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा है उससे या तो उतना पढ़ लो, या फिर उससे जस्ट 80% है ना, अपना जनरली 70% आपको टाइम देना ही पड़ेगा अगर आपने सच में बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई किया है तो। और दूसरी बात मैं बता दूँ, इसमें 9th और 10th दोनों से पूछे जाते हैं बच्चों, तो सिर्फ अभी आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिया है तो 10th पढ़ा होगा, 9th नहीं पढ़ा होगा, 9th भूल जाते हैं बहुत बच्चे, इसीलिए आप अपनी स्टार्टिंग 9th से ही करना। लेकिन ध्यान रखना कि 10th के जो कॉन्सेप्ट्स आपने लिए वो भूलने नहीं चाहिए, वो याद होने चाहिए आपको। तो 10th के कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन करते रहना और 9th को पढ़ते रहना, ऐसे स्टार्ट करना अपनी तैयारी को आप, ठीक है। तो अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो 9th और 10th में 60% 10th से पूछे जाते हैं, 40% जनरली 9th से पूछे जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है तो मुझे ऐसा लगता है। तो आप अपने हिसाब से देखिए, मतलब ज़्यादातर 10th से होंगे, 9th से जो है वो कम मिलेंगे आपको, तो उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है।
कट ऑफ, अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ बच्चों, बहुत बच्चे पूछते हैं कट ऑफ क्या जाता है सर, लास्ट मिनिमम मार्क्स क्या, ऐसा कमेंट में आता रहता है, मिनिमम मार्क्स कितना लाना है सर। कोई ऐसा क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है बच्चों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसमें आपको कट ऑफ लाना पड़े। कट ऑफ मतलब है कि वो मिनी, कट ऑफ का मतलब होता है वो मिनिमम मार्क्स जिस पर जो है उसका सिलेक्शन रुक जाए, मतलब उसके नीचे अगर किसी का नंबर आया है, जैसे मान लो कट ऑफ गया 70, तो इसका मतलब 70 से नीचे 69.9 भी किसी का नंबर आया हो तो उसका सिलेक्शन उसमें नहीं होगा, लास्ट 70 नंबर पे ही सिलेक्शन खत्म हो गया, बंद हो गया, समझ, इसको बोलता है कट ऑफ। तो कट ऑफ एम यू का जनरली वेरी करता है बहुत ज़्यादा बच्चों, एग्जाम के जो जो एग्ज़ाम का जो जनरली वो होता है लेवल होता है उसके हिसाब से, अगर एग्ज़ाम बहुत टफ आया कट ऑफ नीचे जाता है, एग्जाम बहुत ये जाए कट ऑफ सीधा 70 प्लस पहुंचता है। तो मैं अगर मैं एवरेज ऑन एन एवरेज लेके चलो बच्चों, तो आप टारगेट लेके जाओ कि मुझे 75 अगर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होता है बच्चों, तो इसलिए 75 अगर आपके आ रहे हैं, आपने इतना टारगेट लेके गया कि मैं 75 से एक नंबर भी नीचे नहीं लाने वाला, तो आप जो है ना मतलब 75 के आसपास रहोगे ही रहोगे, 73 74 75 76, तो आपका सिलेक्शन, मैं 95% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। कितना टारगेट लेके जाना है 75, ये कब, जब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा एवरेज रहता है, टफ के यू नो टुवर्ड्स रहता है, तो जो कट ऑफ जाता है वो 75 जाता है, अदरवाइज बहुत ईजी रहा तो 75 प्लस भी चला जाता है, राइट। आपको टारगेट लेके जाना है 75, अगर 70-75 के बीच में आ रहा है आपका, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा डेफिनेटली, राइट, 99% चांसेस, 95%+ चांसेस मैंने आपको बोला। तो ये ध्यान रखिएगा कि कट ऑफ हमेशा कोई फिक्स नहीं रहता है, वैरी करता है एग्जाम के लेवल के हिसाब से। आपको टारगेट क्या लेके चलना है 75 का, 70 प्लस भी रहा तो चांसेस है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल। अब बात करते हैं सर सबसे लास्ट जो हथियार है, देखो आपने सिलेबस समझ लिया, गाइड समझ लिया, टाइम टेबल क्लियर हो गया, कट ऑफ क्लियर हो गया, अब PYQs आपको ध्यान रखना है हमेशा। एक PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है AMU का, जो लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आया, आप कोई भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये PYQs सबसे पहले लगाना है, पता है आपको, स्टार्ट करने से पहले। क्यों? क्योंकि एक PYQ लगाने से आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ लाई कर रहे हो, कहाँ पर आप हो, कहाँ किस पोर्शन में आपकी कमी है, कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर नहीं है, कौन सा पोर्शन जिसमें आप नहीं कर पा रहे हो, मार्क्स गेन नहीं कर पा रहे, कौन सा पोर्शन जो आपका स्ट्रांग है, ये आपने आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चल जाता है अगर आप एक PYQ स्टार्टिंग में ही लगा लेते हो। जैसे आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो अभी आप एक PYQ लगा लो, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आया हुआ पेपर में, लास्ट ईयर का लगा लो, उससे लास्ट ईयर का लगा लो, जब कहो एक पेपर आप लगा के देखो, आपको पता चल जाएगा आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, उस हिसाब से आप तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। और जब तैयारी आपकी हो जाए तब फिर से आप PYQs पे, और कम से कम नहीं भी तो 4-5-6 जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके आप उतने PYQs सॉल्व करो। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कम से कम 10 साल का PYQ आप सॉल्व कर लो, 10 ईयर्स का PYQ अगर आप सॉल्व करके जाते हो तो सिलेक्शन के चांसेस ना बहुत ज़्यादा ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट, क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिससे आपका सिलेक्शन AMU में हो सकता है, मतलब अगर आप इन सारे 5 पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन किसी भी AMU में नहीं बल्कि किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, किसी भी एंट्रेंस में आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा जो उसके चांसेस है वो बढ़ जाते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आई होप अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आई हो, पॉइंट्स आपको जो है वैल्यूबल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय।